नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तर प्रदेश में कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक और मंत्री रहे आजम खां को एक और बड़ा झटका लग गया है। प्रदेश की योगी सरकार ने आजम की सुरक्षा में लगी वाई सिक्योरिटी को हटा लिया है। रामपुर के अतिरिक्त SP डॉक्टर संसार सिंह ने इस बारे में जानकारी जारी की है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और VVIP को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए गठित जो राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पूर्व विधायक आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा बरकरार रखने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है। साथ ही अधिकारी ने बताया है कि इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य के गृह मामलों यानी पुलिस सचिव AV राजमौली की ओर से रामपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला को आदेश भेजा गया था। इसके बाद से रामपुर जिला पुलिस ने आजम खान की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को वापस बुला लिया है। रामपुर के अतिरिक्त SP डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक मोहम्मद आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली गई है। ये निर्णय सुरक्षा मुख्यालय से एक पत्र मिलने के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। उनके आवास से 3 गनर सहित सभी पुलिस कर्मियों को वापस बुला लिया गया है। बता दें कि फरवरी 2023 में आजम खान और उनके रामपुर विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को 2008 के एक मामले में मुरादाबाद की MP MLA अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद से दोनों की विधानसभा सदस्यता चली गई थी। और वहीं नवंबर 2022 में आजम खान की जेड सिक्योरिटी हटाई गई थी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो फॉलो करें हमारा चैनल, साथ ही वीडियो को शेयर लाइक करना बिल्कुल न भूलें।